What's going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video guys. And आज हम लोग खेल रहे हैं दोबारा से GTA 5 Mega Ramp Challenge. And guys, as you can see, अपन लोग आ चुके हैं एक और जबरदस्त और exciting Mega Ramp के साथ. और देखना यह है दोस्तों कि क्या हम लोग आज एकदम एंड तक पहुंचेगा. अरे भाई, गाड़ी पहले ही चकमा खा गई ब्रो. भाई चकमा थोड़ो आपका तो भाई पूरा का पूरा सिलेंडर फूट गया भाई. अबे सिलेंडर नहीं भाई, वो अपना पेट्रोल वाला जो डिब्बी होता है वो फूट गया. मजाक कर रहा हूँ यार भाई, इन सब चीजों से हटके सही बता रहा हूँ मैं. ये भाई पूरी की पूरी गाड़ी एक चलती फिरती टाइम बॉम्ब जैसे क्यों दे दिए इन लोगों ने. भाई साहब सेफ्टी के नाम पे कचड़ा है भाई ये. एक झटका पड़ा फूट गई, बताओ यार. भाई मेरी गाड़ी भी फूट गई ब्रो. अरे दिवाली का पटाखा ही बना देते भाई, गाड़ी क्यों बनाया है तुम लोगों ने बताओ. थोड़ा सा टक्कर लगता है फूट जाती है. चौप भी मर गया गाइज, बट डोंट वरी, अब मेरे को पता चल चुका है पटाखों को कैसे एकदम आराम से डील किया जाता है भाई उनके साथ. अपन लोग भी गाइज एकदम आराम से जाएंगे. ओ भाई इसको को कैसे कुदा रही है भाई. जितना वार्निंग दिया जाता है चौप उतना ही ज्यादा तबाही मचाता है. भाई अपुन का स्वैग ही यही है ब्रो, अपने को जितना वार्निंग दो उतना कम है भाई. अरे मर जाएगा रास्ते से तो हट जा नूबड़े वार्निंग के बच्चे. अभी देख देख मेरे रास्ते में प्लेन लेके खड़ा है. चलो गाइस जल्दी से टेक ऑफ करते हैं इससे पहले कि ये नूब हमारे रास्ते में आके हमारी प्लेन को फोड़ सके. ऑलराइट, हमारी मंजिल हमारे सामने है, हमारा दुश्मन हमारे बिल्कुल पीछे और टारगेट है हमारा बिल्कुल आगे. ओ ओ ओ, अरे टारगेट आ भी गया भाई, कुछ ज्यादा ही तेजी आ गया भाई. ओके ओके, इजी पीजी आराम से. ओ शिट भाई, गाड़ी फूट गई बेचारी की. अब बहुत बुरा हुआ यार उस बंदे के साथ भाई. बताओ क्या सही प्लेन उड़ा रहा था. खैर हटाओ अपने को, क्या है भाई ऐसे ऐसे नूब लोग आते जाते रहेंगे लेकिन हमारी प्रोनेस में फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों. भाई क्या बोल रहे थे, नूब बोल रहे थे मेरे को ये लोग. और अब पीछे उड़ा दिया भाई, क्या प्रो मूव था दोस्त तुम्हारा, मान गया भाई तुमको. लेकिन इससे ज्यादा प्रो मूव मेरे पास है दोस्त और दिखाऊंगा. पहले मेरे को प्लेन बनने दो एंड लेट्स जस्ट होप गाइस कि अपन लोग मरे ना. लेकिन भाई चॉप काफी अच्छा खेल गया यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था वो प्लेन टकरा पाएगा, लेट अलोन उसने हमें रैंप से भी उछाल के फेंक दिया. और तो और गाइस अपनी उसने फाइटर जेट को एज अ रैंप यूज किया है हमें नीचे गिराने के लिए, बट उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं मर ना जाऊं. ओ शिट, आराम से प्लीज डोंट डाई भाई, एकदम एंड पहुंच गया मैं. ऑलराइट आई मेड इट भाई. बहुत यार डर लग जाता है गाइस ऐसे ऐसे कंडीशंस में खास करके भाई. ओके चलो फाइनली फाइटर जेट मिल चुका है और अब डरने की कोई बात नहीं है गाइस. डरने का टाइम अब मिस्टर चॉप का है. आ जाओ ए चॉप के बच्चे. अभी देखो 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 नीचे से निकल गया भाई, जंप तो मार ले भाई साहब. इसके लिए बताया गाइस मैं एकदम हवा में उड़ते हुए आ रहा था, एकदम क्लीन शॉट दिया है मैंने इस बंदे को मारने के लिए और ये मेरे को इतना घटिया स्पिन बॉल खिला रहा है. ओ ओ ओ, ओ ब्रेक ब्रेक ब्रेक. अरे भैया ट्रक भाई ब्रेक मार लो थोड़ा, तुमको फायदा हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, किसी तरीके से भाई ये ट्रक पता है रुकी है भाई, पूरे ब्रेक मार दिया मैंने, हैंड ब्रेक, उसके बाद जो नॉर्मल ब्रेक, डिस्क ब्रेक, जितने ब्रेक है सारे मार दिए मैंने. ऑलराइट लेट्स गो, आई थिंक चॉप फिर से मारेगा. अरे नहीं इतनी आसानी से कैसे मारेगा, जाओ तुम भी जाओ दोस्त. भाई आप उतनी दूर से क्यों आए, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया ब्रो आपने. अरे रिस्पॉन्ड बस नहीं किया भाई, कुछ चीजें बस मस्ती के लिए भी की जाती है समझ रहे हो. जैसे भाई यहाँ पे मैं धीरे जा सकता था लेकिन भाई जानबूझ के मैंने तेजी में गाड़ी कुदा दी है. अब देखो जोश जोश में डिसीजन तो ले लिया है लेकिन पता है कि इसका आउटकम बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है. और मरा मैं, मरा भैंस की टैट. यही होता है गाइस जब आपने दिल की सुनते हो तो. भाई मर गया मैं यार, भाई दिमाग से काम लेना चाहिए था. बट यू नो व्हाट गाइस, अपन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मैं भाई ऐसे ही जाने वाला हूँ. अपन लोग क्यों सुने भाई, मस्ती करने आए हैं, क्या फर्क पड़ता है, मरेंगे मरेंगे भैंस की टैट. लेकिन भाई गाड़ी को यहाँ पर स्टंट में जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों. भाई आज इतना खतरों के खिलाड़ी कैसे बन गए हो ब्रो. अरे तू पहुंच भी गया भाई, ये बंदा पहुंच गया भाई. मैं यहाँ खतरों के खिलाड़ी के चक्कर में गाड़ी को भाई हर जगह से कुदा रहा हूँ और ये भाई साहब भाई रिस्क ही नहीं लेते. भाई अरे लेकिन आपका हो गया ब्रो. अरे हो कैसे गया, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मेरे को तो लगा था मैं मर जाऊंगा बट सम हाउ अपन नीचे आ चुके हैं. बट मेरा डीजे वाले बाबू का एक भी सेटअप ऊपर नहीं बचा है गाइस. ओ शिट, ऊपर खींच ऊपर खींच ऊपर खींच ऊपर खींच. अबे नहीं फाइटर जेट ऊपर खींच ले. चलो फाइनली किसी तरीके से मैंने पुल बैक दिया है यहाँ पे गाइस. बहुत मुश्किल हो गया था भाई प्लेन को ऊपर उठाना बट सम हाउ आई मैनेज्ड इट. और अब अपने को थोड़ा सा स्विफ्ट तरीके से आना होगा एंड चेक पॉइंट. अरे चेर्नोबोग भाई, चेर्नोबोग दे दिया भाई. भाई इतना चकमा क्यों खा गए भाई, ऐसे हक्के बक्के क्यों रह गए ब्रो चेर्नोबोग को देख के. अरे उम्मीद नहीं किया था भाई, मेगा रैम चैलेंजेस में चेर्नोबोग को देखना बहुत ही रेयर होता है. इस गाड़ी को कैसे भी कुटा दो भाई, फूटने वाली तो नहीं है, इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ. अगर ये गाड़ी फूट गई तो भाई सोचो तुम किस पे भरोसा करेंगे अपन लोग. ये देखो मैं देख रहा हूँ कैसे पागलों के चला रहा हूँ बट स्टिल गाइस इतना गारंटी दे सकता हूँ ये गाड़ी कभी नहीं फूटेगी. इसकी बिल्ड क्वालिटी ना भाई लिटरली बोल रहा हूँ टैंक से ज्यादा मजबूत होती है ये कुछ केसेस में. तो भाई इस गाड़ी से मिसाइल मारी जाती है, अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो यार. जिस गाड़ी को भाई मिसाइल कैरिंग के लिए बनाया जाएगा उसमें डेफिनेटली भाई ये लोग जब मिसाइल लॉन्च करेंगे तो देखो थोड़ा सा तो रिप्रकशन गाड़ी को भी झेलना पड़ता है, तो मजबूत गाड़ी चाहिए भाई. ऐसे पतली दुबली कभी देखा है भाई ऑल्टो के ऊपर से मिसाइल मारते हुए? नहीं ना, ऑल्टो उड़ जाएगी भाई, एक मिसाइल तो उठा नहीं पाएगी, छोड़ना तो दूर की बात है भाई. अरे ऑल्टो से कंपेयर कर दिया भाई, गाड़ी की बेइज्जती हो गई ब्रो.
अरे मैं सोच रहा था तेरी गाड़ी को मारूंगा, बट क्या मारू भाई, तेरे से टकराऊंगा तो मेरा प्लेन ही फट जाएगा और तेरे को तो भाई तू एक सेंटीमीटर भी नहीं हिलने वाला है। यू नो व्हाट गाइस, आई हैव डिसाइडेड अपन लोग लड़ेंगे नहीं इस बंदे से, अपन लोग को अपना भाई चेक पॉइंट से मतलब है। अरे ये क्या दे दिया दोस्त, चेक पॉइंट बोल बोल के सीधा साइकिल बना दिया, बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। वेल कोई बात नहीं, साइकिल मिली है तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे अंदर का टैलेंट अभी भी उतना ही है। चलो फिर मस्त जंप करते हैं। अरे नहीं, जंप बोला था, फेस किया कि यार गिर गया भाई मेरा बंदा। चलो गाइस दोबारा ट्राई करते हैं, हो सकता है इस बार सक्सेस मिल जाए। भाई मैं पता है ग्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या होता है ना बाइक्स में यार, आप लोग ग्लाइड कर सकते हो, वैसे ही साइकिल में भी आप इजिली ग्लाइड कर सकते हो। एंड अगर हम लोगों ने ग्लाइड कनेक्ट कर दिया तो भाई ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये चुटकियों में खत्म होगा, लिटरली बोल रहा हूँ। अरे शिट शिट शिट, अरे नहीं नहीं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, भाई कुछ ज्यादा तेज से लेफ्ट चला गया मैं। ओके फाइनली गाड़ी रुक गई है, अब थोड़ा आराम से जाएंगे। अरे नहीं नहीं व्हीली गलत लैंड कर गई तो मर जाऊंगा। अरे मरा पैस की टैट, बोला था ना मैंने गाइस ये इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। भाई तो वे लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको लग रहा है फ्रॉस्टी भाई ये क्या कर दिया, ये तो इजीली हो जाना चाहिए था। नहीं भाई इस चॉप को देखो तो पहले, भाई गाड़ी कैसे ले जा रही है, अबे क्या खा के आया है भाई, उल्टी पुल्टी आगे पीछे हर डायरेक्शन में गाड़ी भगा रहा है लेकिन सीधे नहीं जा रही है भाई तुम्हारी गाड़ी। तो भाई अरे क्या बोलूं भाई, स्टैंड निकाल दिया मैंने, अब ऊपर ही नहीं जा रहे ब्रो। हां तो किसने बोला था सर आपको स्टैंड नीचे निकालने के लिए, नहीं बताइए भाई, मैंने तो नहीं बोला था। अपने मन मर्जी से भाई कुछ भी करता है, अब गाड़ी खराब हो गई इसकी भाई, अब करते रहियो चलाते रहियो, भाई साहब बीच में अटका रहेगा रोड के ऊपर ये। तो भाई ऐसे हार नहीं मानने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा तो शायद मेरी स्टैंड जो है वो वापस अंदर चली जाएगी ब्रो। अरे नहीं जाने वाली है दोस्त, मैंने ट्राई किया था मेगा रैम चैलेंजेस में, बड़ा मुश्किल होता है भाई, ये देखो कैसे अटका पड़ा है। मेरे से तो उम्मीद मत रखियो भाई, मेरे से तो प्लेन नहीं संभल रही है, तेरी मदद क्या मैं घंटा करूंगा भाई। ओके लेट्स गो, उसको तो वहीं पे पड़े रहने। तो गाइस अपने को जल्दी से अपना चेक पॉइंट लेना है। ओके ओके ओके, अरे अरे आराम से। ओ भाई गोल्फ कार्ट, अरे रुक जा, अबे रुक जा भाई, इतना ज्यादा स्पीड है भाई, ब्रेक फुल मार देता हूं मैं, तब भी देख रहे हो गाइस इतनी दूर आके गाड़ी रुकती है, इससे आपको आइडिया लग रहा है क्या स्पीड रहती है। सोचो हाईवे वगैरह के ऊपर अगर फाइटर जेट ने ऐसे प्लेन में ब्रेक मारा गया ना गाइस, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, रुकते रुकते भाई चार पांच गाड़ियां तो उड़ा ही देगी। वैसे अच्छा है गाइस फाइटर जेट्स को हाईवे के ऊपर नहीं चलाया जाता है। ओए अबे ये क्या कर दिया, ओ शिट, ओ नो वे गाइस, देखा आप लोगों ने भाई डबल फ्रंट फ्लिप मारा गाइस, मैंने डबल फ्रंट फ्लिप मार के लैंड करा दिया भाई। तब चॉप कैसा लगा तेरे को भाई, मारा तो मैंने आपको गिराने के इंटेंशन से था भाई, लेकिन आपकी मदद करके आ गया, बताओ भाई स्टाइल मार के चले गए भाई। अरे क्या बताए दो, स्वैग ही इतना ज्यादा है। ओ शिट प्लेन प्लेन फिर प्लेन, प्लेन प्लेन में आ गए हैं, पुल बैक पुल बैक पुल बैक एंड लेट्स गो। आसमान की ऊंचाइयां हमारा इंतजार कर रही है दोस्तों, अपन लोग जमीन पर क्या कर रहे हैं, चलो फिर से आसमान में जाते हैं। ओ शिट उसके वो कहां जा रहा है, अरे सर कहां निकल गए, अबे भाई उसको देखने के चक्कर में मैं फट गया, बताओ भाई ये क्या, भाई क्या हो रहा है, रुको रुको उस पे फोकस नहीं करना है, पहले तो इधर लाओ। ओके और ये भाई एक सेकंड बताओ, ये व्हील बेस कौन निकाल रहा है मेरे को, भाई इसको वापस अंदर लेना है। ओके फटाफट से इसको अंदर लेते हैं एंड लेट्स गो। ओ चॉप आ रहा है, चॉप आ रहा है, लेकिन कहां से आएगा, अरे निकल गया तेरी तो ये ले साइकिल के बच्चे। भाई मार कैसे दिया भाई, इतना बचते बचाते आ रहा था मैं, अरे बचते बचाते आओ या छुपते छुपाते, जो देखना है मेरे को वो तो मैं देख ही लूंगा। और शिट मैं चेक पॉइंट मिस कर गया, मेरे को अब पीछे से आना पड़ेगा गाइस। नेवर माइंड, स्पीड का हम लोग पूरा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और सुपर स्पीड में निकलेंगे, लेट्स गो। अरे भाई क्या स्लिंग शॉट किया है ब्रो, अरे पूरी रैंप पार कर जाऊंगा लगता है गाइस। फॉक्ट भाई ये क्या जादूगरी की है भाई, आपने सीधा आगे निकल गए ब्रो, अरे मिसाइल के जैसा निकला हूं भाई मैं। भाई क्या था ये, इस भंगार वाली गाड़ी ने अपनी जिंदगी में इतना तेज नहीं ट्रैवल किया होगा गाइस, अपन लोग इसकी टॉप स्पीड से भाई 10 गुना ज्यादा तेज निकले। यू नो व्हाट, मेरे को ये ट्रिक पसंद आ गया दोस्तों, अपन लोग अब इसी ट्रिक को बार बार इस्तेमाल करेंगे और बार बार सुपर स्पीड तरीके से रैंप को फिनिश करेंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं अगली गाड़ी कौन सी है एंड उसके साथ भी इसी एक्सपेरिमेंट को यार अंजाम देते हैं गाइस। और आप लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये जो स्पेशल ट्रिक है मेगा रैंप क्लियर करने का पसंद आया है तो जरूर लाइक करना। एंड आई थिंक इतना डिस्टेंस काफी है, क्योंकि देखो यार फाइटर जेट में भी एक टॉप स्पीड नाम की चीज होती है, कितना भी दूर लेके जाके यार कोई फायदा नहीं होने वाला है, अपन लोग पास ही ट्राई करते हैं। ओके कमिंग इन हॉट और ये मार दिया, ओ एकदम इंच से बचाओ गाइस। ओ भाई खत्म खत्म, ये वैन भाई आज उड़ना सीख गई, आज ये एरोप्लेन बन चुकी ऑफिशियली, अब से इसको कोई वैन नहीं बुलाएगा, सब इसको एरोप्लेन बुलाएंगे भाई। फ्रॉस्ट भाई आपने तो रोड को टच भी नहीं किया ब्रो, अरे वही तो स्वैग है तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई का। ऑलराइट गाइस यू नो व्हाट, फिनिश लाइन पास आ रही है, अब ज्यादा फनटू सी गिरी नहीं करते अपन लोग, अपन लोग जाते हैं और सीधा करते हैं फिनिश। ऑलराइट गाइस टाइम है हमारे फाइनल चेक पॉइंट का एंड अब टाइम है प्लेन को भी घुमाने का एक्चुअली, क्योंकि यार काफी दूर आ गया मैं। ओके तो गाइस आपको तो पता ही हमारी स्ट्रेटजी क्या है, उसी स्ट्रेटजी को यहां पे दोबारा इंप्लीमेंट करते हुए फुल स्पीड में गाड़ी को लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक से मेरे
देखो ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक कर गई आई गेस जंप। देखो भाई मॉन्स्टर ट्रक का जो डिजाइन होता है ना गाइस वो बिल्कुल भी एरोडायनामिक नहीं होता है। अब आप बोलोगे एरोडायनामिक क्या होता है, बेसिकली जो होता है ना, अब देखो फिजिक्स नहीं बताऊंगा मैं भाई, मैं इतना बोल दे रहा हूँ तुम लोगों को कि भाई हवा जो है फ्रिक्शन कम क्रिएट करती है एरोडायनामिक अगर गाड़ी की अच्छी है तो। लेकिन यहाँ पे भाई इतना ज्यादा सरफेस एरिया है, गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है तो हवा का जो दबाव है वो गाड़ी को ज्यादा हवा में उड़ने नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए अपन लोग यहाँ पर पीछे हो गए। अब देखो मेरी फिजिक्स गलत होगी तो मेरे को कोई बोलेगा नहीं कमेंट सेक्शन में भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैंने यार आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि क्यों ये गाड़ी जो है इतनी ज्यादा आगे नहीं गई। और भाई मेरे को पता है फिजिक्स क्लासेस नहीं खोल ले भाई इधर, तो अगली बार से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो भाई इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, बताओ बोर हो गया भाई मैं। अरे 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 तेरे लिए नहीं दिया था दोस्त, खैर हटाओ। वो भाई कहां ले जा रहे हैं आसमान में, लगता है फिनिश करवाएंगे गाइस। तो चलो अभी बोल देता हूं सब्सक्राइब मारो सब्सक्राइब, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी। ओहो मस्त था भाई।